ये लीजिए। अब इसे किसे दोगी? प्रसाद है, सबको दूंगी। अर्पिता, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। अरे प्रसाद सबसे पहले घर के मुखिया को दिया जाता है, और इस घर का मुखिया कौन है? राजवीर जी। एग्जैक्टली। ये लो और जाओ। मुझे तो वो भी पता है, जिसकी खबर किसी को नहीं है। अब आएगा असली तूफान, और चक्राते का असली हंगामा तो अब शुरू होगा। माय माय। बोल सासे दरबार की जय। ये सिंदूर माता रानी का आशीर्वाद है, इसे अपने अर्धांगिनी के मांग में भर दीजिए। सुख दुखानी सर्वानी पयासरुपन्यते कुटुंब रक्ष कार्यास्तामी अवान पुत्र हरिरम आस्ति नास्ति संतुष्टा विहितम। रुहान बेटा, सिमरन की मांग हुआ। असली रंग तो अब सामने आएगा इस रिश्ते का। आरती आता भविष्योगी तवाज्ञा पालया व्यामी संज्ञा भूय पदे ऋतुकाले त्रिनित्याने त्वया सह। प्रसाद है? तेरे को पता नहीं है? ये प्रसाद तो आरती के बाद होता है। इसको तो मेरे को दे दे और तू जा। ठीक है, ये भी ले लो। हाँ ठीक है, चल तू जाके बैठ जा। जागरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आप सभी माता रानी की आरती के लिए खड़े हो जाइए। बुआ तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गई है, अब थाली लेकर कहाँ चली गई? क्या फिटे मुंह, आपने तो मेरे को ड्राई दिया है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो आपके पास थाल थी ना, मैं वही थाल लेने आई हूँ, बाहर उसे मंगवा रहे हैं। वैसे आपको एक बात समझाऊं, मैं आप हमारे संधि जी के बीजी हो है? तो आपका इधर उधर ऐसे घूमना अच्छा थोड़ा लगता है, और फिर 70 साल की उम्र में आप ऐसे घूम रहे हो, चंगी बात नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर से तो ताजमहल लगते हो ताजमहल, पर अंदर से तो प्लास्टर रगड़ रहा है। नहीं, वो आपने किसी और को कह देना था,
वो ले आता थाल, क्या प्रॉब्लम थी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं संध्या हूँ। संध्या संध्या हो या सवेरा, ऐसे नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई? उमर, उमर का खास ख्याल रखना चाहिए। उमर, उमर भी मेरी 28 है और मैं आपके समधी जी की माँ नहीं, उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। ओ तेरी, मैं भूल गई, फिर मैं भूल गई। अब आप प्लीज मुझे बताएंगी कि बाहर से जो आप थाल लाई थी अर्पिता से, वो कहाँ है? अब तो बाहर ही होगी ना, मेरे को क्या पूछ रहे हो आप? हैं? ओ माय माय, मैं कहती हूँ थाल थाल तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उसमें कुबेर का खजाना छुपा हो। कहाँ गई, कहाँ गई प्रसाद की थाली? उसी में तो जगराते का असली आशीर्वाद है। बेटा, ये प्रसाद की थाली राजवीर अंकल को दे दो ताकि वो अपने हाथों से सबको प्रसाद दे सके। जाने ये प्रसाद देखकर क्या हाल होगा बेचारे राजवीर का। बेटा, माता रानी के चरणों का आशीर्वाद लेने के साथ साथ अपने बड़ों के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले लो। जीते रहो पुत्र, माता रानी तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा, यूं मेरे ऐतबार का सदा सुहागना। माता रानी की कृपा से तुम दोनों का साथ हमेशा हमेशा बना रहे। माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा, यूं मेरे ऐतबार का। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। जय माता। ये लीजिए प्रसाद, सबको देना है। प्रसाद। जय माता। जल्दी कीजिए राजवीर जी, मेरी आंखें तरस गई हैं ये तमाशा देखने के लिए। डिवोर्स पेपर्स कहाँ चले गए? मैंने खुद रखे थे इस थाल में। जय माता। जय माता दी।
प्रसाद तो मुझे मिला ही नहीं। किसके पास होंगे वो पेपर्स? कहाँ गए? देख तो, सब तैयारी हो गई। देखो जी, ये कैसा है रूहान के लिए? बहुत अच्छा है। और ये मेरी सिम्मी के लिए कैसा है? वो आपकी पसंद कभी गलत हो सकती है, है ना? ये सब किस लिए? लोकल लोकल। ये पुत्र शादी के बाद तो पहली बार यहाँ आई है, रस्म होती है। पुत्र अब तो सब ठीक हो गया है, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दे। देखो जी, अब आप ही समझाइए अपनी लाडली को कि शादी के बाद बाबुल का घर पराया हो जाता है। देखिए जी, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, मुझे नीचे जाकर वो देने हैं। आप दोनों जल्दी नीचे आ जाइए। आ जाइए। कितना अजीब होता है ये रिश्ता। हमेशा सोचा करता था कि बड़ी धूमधाम से तुम्हारी डोली इस घर से विदा हो। जब भी विदा होने की बात की, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इन आंखों ने कभी नहीं चाहा कि मेरी सिमरन कभी मुझसे छुदा। तो क्यों जाने दे रहे? रोक लीजिए ना, नहीं जाना मुझे। ऐसा नहीं कहते, ये बेटियां तो ससुराल की अमानत होती है। और ये क्या भाई है? इन बड़ी बड़ी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू कुछ ठीक नहीं लग रहे। आंसू तो आपकी आंखों में भी है। इन आंसुओं का क्या, ये तो कभी भी आ जाते। कमबख्त कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि ये खुशी में बह रहे हैं या गम में बह रहे हैं। लेकिन आज मैं इन आंसुओं से पूछ के रहूंगा। एक मिनट है, आप देखते हैं आंसू क्या कहता है। हाँ जी बोलिए आंसू जी। अच्छा आंसू कह रहा है कि ये तो खुशी में बह रहे हैं, अपने पिया के घर जाने की खुशी। नहीं चाचा, जिसके घर आप मुझे भेज रहे हैं वो तो कब का मुझसे रिश्ता तोड़ चुका है। अब और बर्दाश्त नहीं होता, झूठ का ये खेल और नहीं निभा सकती मैं। ये सच आपको बताना ही होगा। आपको एक खास ख्याल रखना होगा, इनको किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल टेंशन ना हो। मेरे साथ जो होना था हो चुका, मेरी किस्मत थी। लेकिन चाचू ये सजा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी सलामती के लिए मुझे इस खोखले रिश्ते को निभाना ही पड़ेगा, जब तक कि मेरे चाचू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। माधुरी जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ओ नहीं जी, शादी के बाद पहली बार आप यहाँ आए हैं तो ये रस्म होती है ना। और माता रानी की कृपा से जितना भी बन पड़ा हमने किया।
किरण जी, वो समधी जी वाले गिफ्ट का है, मैं अपने हाथ से उनको देना चाहता हूँ। मेरे मीनू के पास जी। वैसे संध्या जी, आप भी ये कलर बहुत ही खिलेगा। क्या करेंगे इन कपड़ों का, ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं पहनते। मुझे तो उन्हें देने में भी शर्म आएगी। क्यों चुप रहो, सच्ची कह रही हूँ ना? माय डियर डॉटर इन लॉ, किरण जी ने जो कुछ भी दिया है ना, बड़े दिल से दिया है, मगर तुम्हारे घर से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। देने वालों का दिल देखते हैं, क्या दिया है ये नहीं देखते। और वैसे भी इन्होंने सिमरन को हमें सौंपकर बहुत कुछ दिया है जी। बाहर गाड़ियां तैयार हैं। ठीक है जी, तो हम भी अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नो आंसू। हाँ भाई, आंसुओं से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। मेरी सिमी का ख्याल रखना, मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है आज। सब कितने खुश हैं। अगर वो डिवोर्स पेपर्स मिल गए होते तो जो राजवीर जिंदगी देने की बात कर रहा है, चांद ले लेता रोहन की। बैठिया। सिमरन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सिमरन, मैं नहीं जानता तुमने क्या सोचकर अपना फैसला बदला है, बट थैंक्स, थैंक्स यहाँ आने का। मैंने कोई फैसला नहीं बदला, क्योंकि फैसला तो आप ले चुके। लेकिन अब आप मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ डिवोर्स पेपर्स के बाद मेरा यहाँ आना शायद आपको अजीब लगा होगा। शादी में अम्मी के साथ फेरे लेकर रिश्ते बनते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता तो उसी अग्नि में चलकर भस्म हो गया। मैं तो बस सिमरन, मैं कुछ कहने की जरूरत, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं यहाँ अपने चाचू के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस हालत में वो है, उस हालत में मैं उन्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई नहीं बता सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके ठीक होने तक पति पत्नी के रिश्ते का नाटक कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी।